हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल एंड वेलकम टू डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉर्मोन्स के बारे में कि जो हमारी सेक्सुअल लाइफ को सही करने के लिए और हमारा मसल मास बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब्स का हम सेवन कर सकते हैं। मैं आज यहाँ आपको चार आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में बताने वाला हूँ कि जिनका सेवन करके हम हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं, हमारी सेक्सुअल लाइफ को अच्छे से पावरफुल कर सकते हैं और हमारी बॉडी का मसल मास भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज का हमारा वीडियो आपका अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करिएगा। मैं बात कर रहा था टेस्टोस्टेरोन के बारे में। टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में एक, हमारी सेक्सुअल लाइफ को अच्छा रखने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारा बोन्स जो है उसका मसल मास बढ़ाने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी है। तीसरा, हमारे मसल्स का मास बढ़ाने के लिए, यानी कि मसल्स बढ़ाने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है। RBC रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन इंपॉर्टेंट है और स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन करने में भी टेस्टोस्टेरोन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों, जनरली जब हम यंग होते हैं, एडोलेंस एज में, टेस्टोस्टेरोन हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में अच्छे प्रमाण में होता है। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र के बाद शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखने के लिए हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा के देख सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का क्या लेवल है। अब हम देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर हमारे शरीर में कम हो गया है तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है उन लोगों को लो सेक्स डिजायर हो जाती है, लो सेक्स ड्राइव, मतलब सेक्स करने की इच्छा बहुत कम होने लगती है। दूसरा, डिफिकल्टी इन इरेक्शन, मतलब कि इरेक्शन में प्रॉब्लम आने लगती है। तीसरा जो है वो लो सीमेन वॉल्यूम, जब इजेक्युलेशन, स्पर्म इजेक्युलेट होता है तो उसकी क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। चौथा लक्षण दिखाई देता है, हेयर लॉस होने लगता है, फिर फटीग यानी कि थकान महसूस होने लगती है और मसल मास यानी उनके मसल्स जो है वो कमजोर होने लगते हैं। शरीर का फैट बढ़ने लगता है, शरीर में मोटापा यानी ओबेसिटी, फैट का प्रमाण बढ़ने लगता है। बोन मास कम होने लगता है, बार बार मूड चेंज हो जाना, एंगर आ जाना, गुस्सा आ जाना। उसके बाद उनकी मेमोरी को भी अफेक्ट हो जाता है, छोटी छोटी चीजें भूल जाना, अफेक्टेड मेमोरी हो जाती है। और टेस्टिकल यानी कि टेस्टिस जो है उसकी साइज छोटी होने लगती है और ब्लड काउंट कम होने लगता है। ये सिम्टम्स जो है वो जनरली टेस्टोस्टेरोन जिनमें लो होने लगता है उन लोगों में दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ऐसी चार औषधियों के बारे में कि जो आयुर्वेद की किताब से, आयुर्वेद के ग्रंथ से लिए हुए हैं और इन चार औषधियों का सेवन मैं भी करता हूं और आप भी जरूर कर सकते हैं। जो लोग इन चार औषधियों का सेवन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को आगे देखें। सबसे पहली औषधि का नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा को इंडियन जिनसिंग कहा जाता है और आयुर्वेद की औषधियों में किंग ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन कहा जाता है। अश्वगंधा का सेवन सारे एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। अश्वगंधा का मेन रोल हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी वो सहायता करता है। उसके अलावा हमारा मसल मास और स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। शरीर में मानसिक तनाव और एंजाइटी को कम करने के लिए भी अश्वगंधा का वंडरफुल रोल है फ्रेंड्स। उसके अलावा हमारे शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, उसको भी अश्वगंधा कम करता है, क्योंकि यह आयुर्वेद की रसायन औषधों में से एक है। अश्वगंधा के डोज के बारे में अगर हम बात करें तो अश्वगंधा को पाउडर के फॉर्म में ही कंज्यूम करना बहुत अच्छा रहता है। अश्वगंधा के पाउडर का डोज दो ग्राम से शुरू करके 5 ग्राम तक सुबह शाम हम दूध के साथ ले सकते हैं और इसका सेवन हमें 3 महीनों तक यानी कि 12 हफ्तों तक जरूर करना है। उसके बाद दूसरी औषधि की बात करते हैं। दूसरी औषधि का नाम है शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा। शिलाजीत जो है वो स्पेशली उसका सेवन हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए किया जाता है। शिलाजीत हमारी सेक्सुअल हेल्थ के लिए एक बेस्ट औषधि है। शिलाजीत एक स्टिकी यानी कि चिकनाहट भरा पदार्थ है जो हिमालय के पत्थरों से निकलता है। याद रखिए, स्पेशली शिलाजीत का जो इस्तेमाल है उसको प्यूरिफाई करके, उसको प्रोसेस करके प्यूरिफाइड फॉर्म में उसको, उसका सेवन करिए। उसका अगर आप रॉ फॉर्म में सेवन करेंगे तो उसके साथ बहुत सारी अशुद्धियां मिक्स होती है जिससे हमारे शरीर को नुकसान होगा।
शिलाजीत के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, 84 से ज्यादा मिनरल्स शिलाजीत में मौजूद है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को और हमारे एनर्जी लेवल को जबरदस्त तरीके से बूस्ट करते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में जो डैमेज सेल्स है उसको शिलाजीत रिपेयर करता है, यानी कि हमको सदा जवान रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है शिलाजीत। उसके अलावा हमारा लिबिडो यानी कि स्लो सेल्फ डिजायर को कम करता है और लिबिडो को बढ़ाता है और आयरन लेवल को भी हमारे शरीर में बढ़ाता है। उसके अलावा हमारे स्पर्म्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाने में शिलाजीत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शिलाजीत का अगर हम डोज की बात करें तो शिलाजीत जो है वो एक स्टिकी सब्सटेंस के स्वरूप में काफी कंपनियों का मिलता है। उसका सेवन आप एक मटर के दाने के जितना, एक चम्मच होती है उसका जो पीछे का पार्ट है उससे आप एक मटर के दाने जितना शिलाजीत लें, उसको गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ मिक्स करके सुबह में खाली पेट उसका सेवन 12 हफ्ते तक जरूर करें। उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होगा। अब हम तीसरी हर्ब की बात करते हैं। तीसरी हर्ब का नाम है ट्रिब्यूलस यानी कि गोक्षुर, जिसको हम आयुर्वेद में गोखरू कहते हैं, गोक्षुर कहा जाता है। गोक्षुर जो है वो एक बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। उसके अलावा गोक्षुर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें डायुरेटिक प्रॉपर्टीज है, शरीर में सूजन को कम करता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में गोक्षुर का बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा कोई भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूरिन के रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, चाहे वो स्टोन है या बार बार जिनको यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। सारे किडनी के डिसऑर्डर्स में गोक्षुर काम करता है। ये शरीर में हमारी सेक्सुअल ड्राइव को और लिबिडो को बढ़ाने का काम करता है, साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल और डायबिटीज को कंट्रोल करने का भी काम करता है। गोक्षुर का डोज जो है वो 2 से 2.5 ग्राम सुबह शाम हम खाना खाने के बाद पानी या दूध के साथ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथी आयुर्वेदिक औषधि के जो हमारे टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकती है, वो औषधि बहुत जबरदस्त है, जिसका नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। उसका नाम है श्वेत मुसली यानी कि सफेद मुसली। सफेद मुसली की मार्केट में आज इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि ये बेस्ट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है। ये हमारे शरीर में सेक्सुअल डिजायर को बहुत बढ़ाता है। जिन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को लिंग के उत्थान में तकलीफ होती है, जिनका स्पर्म का क्वांटिटी या क्वालिटी बहुत पतला हो गया है या बहुत कम आता है, वैसे लोगों को श्वेत मुसली का सेवन रेगुलर करना चाहिए। श्वेत मुसली हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करती है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो फटीग है उसको कम करती है। जिन लोगों का वजन कम है उन लोगों के लिए ये बेस्ट औषधि है, क्योंकि श्वेत मुसली, सफेद मुसली का सेवन करने से वो लोग अपना वजन बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत अच्छा काम करती है। जिन लोगों को आर्थराइटिस या जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए भी श्वेत मुसली एक बेहतरीन हर्ब है फ्रेंड्स, और अपने हमारे डायबिटीज लेवल को भी ये कंट्रोल करती है। श्वेत मुसली का सेवन हमें 2.5 से 3 ग्राम पाउडर के स्वरूप में सुबह और शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ उसमें मिश्री या चीनी डाल के हम सेवन कर सकते हैं। तो ये 4 औषधियों का सेवन करके हम हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं, जो हमारी सेक्सुअल लाइफ के लिए और हमारे मसल मास को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।